एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज था संडे और आज मैंने दो तीन चीज़ें मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लिया जाए। मैंने बनाया है वीलॉग। आज मैं गई थी मार्सल्स, मैं रेडी हुई थी और मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी स्किन केयर का रूटीन जो मैं यूजुअली करती हूँ मेकअप के बाद जब मैं उसको रिमूव करती हूँ। और मैं साथ साथ शेयर करूँगी आपके साथ सेफोरा के मास्क का रिव्यू। तो चलें देखते हैं। वीकेंड भी था और साथ साथ मौसम भी अच्छा था। काफ़ी दिनों से बारिश ही हो रही है कराची में, तो आज काफ़ी रश था रोड्स पे। तो हम लोगों को अपनी डेस्टिनेशन जो है वो 15 मिनट्स में पहुंचने के बजाय हम लोग 30 मिनट्स में पहुंचे थे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मार्सल्स और मैं खड़ी हुई हूँ उसकी एंट्रेंस पे। आइए पहले हम जो है टूर कर लेते हैं पूरे रेस्टोरेंट का। जाकर चूज़ किया था एमा जो कि है चॉकलेट चीज़ केक। अमूमन चॉकलेट चीज़ केक जो है वो इतने मज़े के नहीं होते, लेकिन इट वाज़ रियली रियली नाइस। मैं चीज़ केक पसंद नहीं करती, लेकिन इट वाज़ सो टेस्टी। मुझे लगा था कि ये पूरा मैं खुद खा सकती हूँ अकेले, लेकिन इट वाज़ टू हैवी एंड आई वाज़ नॉट एबल टू कम्प्लीट इट। और इसके साथ ही मैंने मंगवाया था पीना कोलाडा। पीना कोलाडा वॉज नॉट अप टू द मार्क। मुझे लगा कि इसमें शायद थोड़ी सी और क्रीम डाली जा सकती थी और इसको और क्रीमियर बनाया जा सकता था। सो आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड आफ्टर हैविंग द पीना कोलाडा, बट देयर डेजर्ट वॉज वेरी वेरी नाइस। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस मार्सल्स का। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर और वहाँ जाके मैं आपसे शेयर करती हूँ अपना स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले जो है हम अपना जितना भी मेकअप है फेस पे वो रिमूव कर लेंगे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेंसन्स का फेस क्लेंज़र। इसको मैं ज़्यादा अमाउंट में लेकर अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और एक मिनट तक मैं मसाज करूँगी कि ताकि जितना भी मेरा मेकअप है वो रिमूव हो जाए। अब क्लेंज़र को अपने फेस से रिमूव करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कॉटन के पैड और अच्छे से इसको मैं अपने फेस से वाइप कर लूँगी। कॉटन से फेस वाइप करने के बाद मैं इसको अच्छे से पानी से रिंस ऑफ कर लूँगी अपने फेस को। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्योर डर्म का सेल्फ हीटिंग क्लिंज़र। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से ये होगा कि हमारे जितने भी पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और
हम आसानी से जितना भी डर्ट और मेकअप जो हमारे पोर्स में क्लॉग हो गया है वो रिमूव करने में हमें आसानी होगी। आप जैसे ही इस प्रोडक्ट को अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और मसाज करना शुरू करेंगे तो ये हीट होना शुरू हो जाएगा। इसको 1 मिनट तक जो है अपने फेस पे मसाज करना है हल्के हाथ से। 1 मिनट हो चुका है और मैंने अपना फेस जो है वो कॉटन पैड से साफ़ कर लिया है। इसके बाद जो है हम फेस स्क्रब यूज़ करेंगे जेंसन्स का। इसको मैं सर्कुलर मोशन पे अप्लाई करूँगी और नोज़ के एरिया के पास स्पेशली जो है वो अच्छे से मैं इसको क्लीन करूँगी। स्क्रब के बाद मैं जो है अपना फेस वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये जो स्क्रब है वो ऑयल बेस्ड है और मैं चाहती हूँ कि मास्क से पहले अपना फेस जो है बिल्कुल क्लीन कर लूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बॉडी शॉप का ट्रीटी रेंज का फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर अपने फेस को टॉवल से पैड ड्राई कर लूँगी और साथ ही साथ जो है वो टोनर यूज़ करूँगी जो मेरे पोर्स ओपन हुए थे उनको क्लोज़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बॉडी शॉप का टी ट्री रेंज का टोनर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडक और मज़ेदार सी सेंसेशन आती है फेस के ऊपर। अमूमन ये मेरा लास्ट स्टेप होता है, तो इसके बाद जो है मैं विटामिन सी बॉडी क्रीम की यूज़ करती हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे अभी मास्क अप्लाई करना है और उसमें ऑलरेडी सीरम होता है तो मैं ये स्टेप स्किप कर लूँगी। अब जो है मैं आपके सामने खोलने जा रही हूँ सेफोरा का फेस मास्क। किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे इसकी सारी जो है इंस्ट्रक्शंस रीड कर ली हैं और इसमें लिखा हुआ है कि आपको इसको 15 मिनट्स तक अपने फेस पर अप्लाई करके रखना है और जो है साथ ही साथ इसमें जो एक पर्पल कलर की जो शीट है जो अटैच है मास्क के साथ वो आपको रिमूव करनी है और शीट जो है वो अपने फेस पे लगानी है। इसको मैंने खोल लिया है और इसमें से जो है मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ग्रेप्स की खुशबू आएगी क्योंकि ये ग्रेप्स का इसमें लिखा हुआ है कि एक्सट्रैक्ट है, लेकिन मुझे इसमें से कोई भी ग्रेप्स की खुशबू नहीं आ रही है। इसकी बहुत ही डिफरेंट यूनिक सी खुशबू है लेकिन इसमें ग्रेप्स की बिल्कुल भी कोई खुशबू नहीं है। और ये बहुत ही लाइट सीरम है, बहुत लाइट है। मुझे लग रहा था शायद बहुत स्टिकी होगा लेकिन ये बहुत ही लाइट है एज़ कम्पेयर टू जो गार्नियर का फेस मास्क आते हैं, हाइड्रेटिंग मास्क जो होते हैं उसके। I'm not afraid to die.
इसको मैं लगा अपने फेस पे लगा लूँगी। अमूमन जो मास्क हमें मिलते हैं दूसरी ब्रांड्स के, वो फेस से बहुत बड़े होते हैं या बहुत ही छोटे होते हैं, तो ये मेरे फेस पे बहुत ही अच्छी तरीके से एडजस्ट हो चुका है और मैं इसको 15 मिनट्स तक जो है अपने फेस पे अप्लाई करके रखूँगी। ये मास्क जो है बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है सीरम की। इतना सीरम बचा हुआ है इसके अंदर कि मैं अपने नेक और अपने हैंड पे अप्लाई कर सकती हूँ, तो मैंने अपने नेक पे तो अप्लाई कर लिया है, तो मैं हैंड पे भी अपने अप्लाई करने लगी हूँ और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वाकई मेरी स्किन जो है बहुत हाइड्रेटेड फील कर रही है अभी से, अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। एज़ कम्पेयर टू गार्नियर का जो फेस मास्क है, ये उससे बहुत मुझे बेहतर लग रहा है। इसका जो सीरम है वो भी बहुत लाइट सा है, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है और बहुत रिफ़्रेशिंग फीलिंग आ रही है इससे।